माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है? अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहले से है तो उसका यूज क्या है, कब उसे आप यूज करेंगे, या फिर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किस प्रकार से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट है क्या। जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, या फिर एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। अगर वहाँ पर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपका वहाँ से एडमिशन नहीं होता है। तो आप समझ चुके हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसका यूज आप कैसे करेंगे। तो यूज भी आप यहां पर जान चुके हैं कि मान लीजिए अगर एक यूनिवर्सिटी से अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको है वो लेकर जाएंगे तो भी आपके दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे। या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप एडमिशन लेने के लिए कोई भी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मांग पड़ेगी। तो वहाँ पर अगर आप नहीं देंगे तो दूसरे राज्य में आपका एडमिशन नहीं होगा। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपको नहीं मिला था कॉलेज में, स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो आप कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, एक आपको आवेदन लिखना पड़ेगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आवेदन में ये लिखेंगे कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अतिशीघ्र ज़रूरत है, और जो भी आप स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वहाँ पर जाकर जमा कीजिए, आवेदन को सबमिट कीजिए, तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, या उस बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, या उस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।